यस वी आर कंटिन्यूइंग दिस डिस्कशन। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एम मास डेल्टा की टाइम में ए से ए डैश फ्लो कर गया, कितना मास का लिक्विड, एम मास का लिक्विड। द मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग द एंड ए विद द वेलोसिटी वी वन, विद द वेलोसिटी वी वन, ओके। अच्छा फिर जैसे द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, उतना लिक्विड का मास एंटर कर रहा है। टाइम क्या है, डेल्टा टी टाइम, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इस सिलेंडर का एरिया इनटू लेंथ ना, ठीक है। तो लेंथ मतलब डेल्टा एक्स मींस ए वन इनटू वी वन इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, जस्ट नोट डाउन इट्स। एक लाइन और हम यहां लिख सकते हैं कि द मास ऑफ लिक्विड्स, वॉल्यूम हो गया, द मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग द एंड ए द मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग द एंड ए, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास। मिटा दूं, जस्ट नोट डाउन इट। मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम कर देंगे तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी हो जाएगा, तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो रो इनटू ए वन बी वन पर यूनिट टाइम, तो बाई डेल्टा टी हो जाएगा, तो डेल्टा टी हट गया। डेल्टा टी मतलब एक टाइम इंटरवल जिसमें कि लिक्विड वी वन वेलोसिटी से ए डैश तक आ गया, ठीक है। यू जस्ट नोट डाउन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग द लेटर, इसके बाद मास लिख लीजिए, ओके। सिमिलरली जब लिविंग भी करेगा तो ये मान लेते हैं कि उतना ही टाइम में, देखिए थोड़ा सा क्योंकि वेलोसिटी यहां ज्यादा है
तो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि ये v1 वेलोसिटी में v2 वेलोसिटी में जाएगा। तो ये डेल्टा x2 टाइम कवर करेगा जब लिविंग कर रहा है। सिमिलरली द मास ऑफ लिक्विड लिविंग द एंड बी, ठीक है, पर यूनिट टाइम और यूनिट टाइम द मास ऑफ लिक्विड लिविंग द एंड बी पर यूनिट टाइम। तो इधर डेंसिटी तो सेम होता है रो ए टू वी टू, ठीक है। हम यहां पे एक चीज लिख सकते हैं कि उतना ही टाइम में जितना लिक्विड ए में एंटर करेगा उतना लिक्विड को तो बाहर जाना होगा, क्योंकि नहीं तो लिक्विड कंप्रेस तो नहीं हो सकता है। डेल्टा टी टाइम में जितना लिक्विड जितना मास ऑफ लिक्विड एंटर करेगा उतना टाइम में उतना लिक्विड को बाहर भी निकल जाना है, ठीक है। तो देखिए द मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एंड ए पर यूनिट टाइम ठीक है इज इक्वल टू द मास ऑफ लिक्विड लिविंग द एंड बी पर यूनिट टाइम। सो दैट इंप्लाइज रो इनटू a1 v1 इज इक्वल टू रो इनटू a2 v2 डेंसिटी डेंसिटी टेंसर a1 v1 इज इक्वल टू a2 मतलब एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ द एंटरिंग एंड इज इक्वल टू एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ द लिविंग एंड। ओके तो दैट इंप्लाइज a इंटू v इज ए कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है This is called equation of continuity. इसी को कहते हैं a1 v1 is equal to a2 v2. इसी को कहते हैं equation of continuity. Equation of continuity. a1 v1 is equal to a2 v2. ठीक है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इसका मतलब a इंटू वी इज ए कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, दैट मीन्स a इंटू वी एरिया इंटू वेलोसिटी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इज कॉन्स्टेंट। इट मीन्स दैट a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एरिया ऑफ प्रोसेसिंग ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वेलोसिटी कम होगा यहां पे। अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो यहां पे इस केस में v2 विल बी ग्रेटर देन v1, v2 विल बी ग्रेटर देन v1, ठीक है। ये कंफ्यूजन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का,
This is the conclusion of equation of a continuity. Equation of continuum लिखेंगे तो area and velocity at the entering end is equal to area and area multiplied by velocity at the leaving end. ठीक है, इसी को कहते हैं equation of a continuity. A1 मतलब fluid continuum अगर flow हो रहा है, ये equation एक incompressible fluid के लिए, एक incompressible लिक्विड के लिए वैलिड है. ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे बर्नौलीस थ्योरम, BERNOULLIS. बर्नौलीस थ्योरम, BERNOULL, ये बर्नौलीस एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये फ्लूइड डायनेमिक्स में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्लूइड मोशन, इन केस ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम, ही स्टेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को उन्होंने एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिखा है, उस इक्वेशन को उसने स्टेटमेंट किया है और उसी को हम बर्नौलीस थ्योरम कहते हैं. ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं. इस स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम क्या कहता है उसको हम लिख सकते हैं अभी.